बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने अयोध्या केस में केंद्र सरकार की नई अर्जी पर निशाना साधा है। उन्होंने इसे सरकार के चुनावी हथकंडे को तौर पर देखा है। मायावती ने एक बयान जारी कर दावा किया कि यूपी में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के गठबंधन से बीजेपी बौखला गई है, तो वहीं कांग्रेस ने भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राम मंदिर की याद सिर्फ चुनाव में आती। हमारे साथ में इस समय बीएसपी के सतीश चंद्र मिश्रा जी मौजूद हैं। हम उनसे बात करेंगे आज की राजनीति को लेकर और जिस तरह से गठबंधन को लेकर लगातार जो वर्तमान सरकार है वो सवाल उठा रही है उसको लेकर भी। सर, पहला सवाल तो हम ये करेंगे कि केंद्र सरकार ने अभी सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की है कि अयोध्या में जो 2.70 एकड़ विवादित भूमि है उसके अलावा बाकी भूमि को मुक्त कर दिया जाए, आप इसे किस तरह देखते हैं? देखिए, आप इसी से समझ लीजिए कि सिवाय पॉलिटिकल मुद्दे के ये मूव है और क्या हो सकता है, क्योंकि वो भी समझते हैं कि इसमें जिस समय डाल रहे हैं आज वो किस वक्त में डाल रहे हैं, जब इलेक्शन एक महीने बचा है तब उनको 4.5 साल की सरकार निकल चुकी, तब उनको इन सब चीज़ों की कोई याद नहीं आई। उनको ये भी अच्छी तरीके से मालूम, उनके अंदर बहुत बड़े बड़े कानून के ज्ञाता लोग भी हैं इनकी सरकार में, तो उनको ये भी मालूम है कि इस तरह की अर्जियाँ पहले 3 बार पड़ चुकी हैं सुप्रीम कोर्ट में। 3 बार सुप्रीम कोर्ट कह चुकी है कि नहीं, हम तो जब तक ये टाइटल सूट नहीं डिसाइड होगा हम इसको नहीं करेंगे। तो ये सब तो सिर्फ ये है कि आप कहते रहे कि हम मंदिर बनवाएंगे, जब लोगों ने अब प्रश्न चिन्ह उठाया कि अब तो आप जा रहे हो, 5 साल पूरे हो गए हैं, तो अब क्यों हमको आप इसमें मूर्ख बना रहे हो, तो उन्होंने कहा कि अब हम कुछ और तरीका निकालते हैं बनाने का। तो ये तो आपको बेवकूफ़ बनाने वाली जनता को समझते हैं कि इससे बेवकूफ़ बन जाएगी, तो ये उसी कड़ी में है जैसे कहीं पर आप भगवानों को आप जात में बांट रहे हो, कहीं धर्म में बांट रहे हो। अब ये एक चीज़ है जो करने की कोशिश की जा रही है, ये सिवाय इलेक्शन के और कुछ नहीं, उससे संबंधित है और कुछ नहीं है। लोगों को भ्रमित करने के लिए लोगों को सोचते हैं शायद इससे जो उनकी कमियां रही हैं, जो 5 साल में वादे किए वो पूरे नहीं कर पाए, एक भी उसमें से धोखा देते रहे, और अब उन सबसे शायद भटक जाएं लोग इस तरीके से। लेकिन अब जनता भटकने वाली नहीं है, अब वो सब समझ चुकी है और वो इंतज़ार कर रही है कि कब मौका मिलेगा बैलेट दबाने का और बटन दबा करके इनको बाहर कर।